गैस कर सकते हैं कि आज हम कहाँ हैं? आज हम पहुंच चुके हैं छोटी छोटी पहाड़ियों और लेक से घिरे राजस्थान के एक खूबसूरत शहर उदयपुर में। इस शहर की गोद में छिपा है खजाना और इसी खजाने की खोज में आज हुनरबाज की टीम यहां आई है। और क्या आप जानते हैं कि ये सैकड़ों फिट नीचे छिपा खजाना, इसे ढूंढने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इसके लिए हमें ज़रूरत है हुनर के नक्शे की। तो आखिर क्या है ये खजाना और क्या है ये नक्शा, चलिए आपको बताते हैं। उदयपुर से करीब एक घंटे की दूरी पर एक छोटा सा टाउन है दरीबा, जहाँ छुपा है वो खजाना जिसकी तलाश में हम आए हैं, जो है सैकड़ों फीट जमीन के नीचे पाया जाने वाला एक मेटल जिंक, जिसे एक्सट्रैक्ट करने में कई तरह के हुनर के कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। और ये कॉम्बिनेशन वो नक्शा है जो आपको सक्सेस को पाने का सही रास्ता दिखाता है। तो देर किस बात की, चलिए हमारे साथ माइंड्स के इस अनोखे सफर पे। हुनरबाज की पूरी टीम माइंस में जाने के लिए खासा एक्साइटेड थी और फाइनली हम पहुंच गए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संदेसार खुर्द माइंस तक। ये माइंस हर साल सबसे ज्यादा जिंक और सिल्वर प्रोड्यूस करती हैं और यही एक वजह है कि यहाँ काम करने के अवसर भी बहुत ज्यादा है। और इसलिए NSTC के तहत स्किल काउंसिल ऑफ माइनिंग सेक्टर ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और IISC के साथ मिलकर इस एरिया में युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ने का बीड़ा उठाया है। स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर यूथ को ट्रेन करता है ताकि वो माइनिंग एंड अलाइड एरियाज में नौकरी प्राप्त कर सके। ट्रेनिंग अनेक प्रकार की होती है, हम लोग गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, हम लोग कुछ इंडस्ट्री के साथ भी करते हैं, कुछ CSR के तहत करते हैं। लेकिन एक नया प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो कि एक इंडस्ट्री लेड हाई टेक्नोलॉजी इनेबल प्रोजेक्ट कहलाता है, जिसमें कि नई तरह की मशीनें जो आती हैं, उन नई तरह की मशीनों को हम लोग जो है उस पर ट्रेन करते हैं ताकि जो भी लड़के हमारे तैयार हो रहे हैं वो ग्लोबल प्रोडक्टिविटी लेवल देकर अपना प्रोडक्शन कर सकें। लेकिन इन माइंस में आप ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते, आपको सेफ्टी के सारे गियर्स पहनने होते हैं, जिसमें हमारी पूरी पूरी मदद की यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे स्टूडेंट्स ने, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें सब कुछ पहना रहे थे। लेकिन आप ये मत समझिए कि हम तैयार हो गए हैं माइंस का सफर करने के लिए, ये सब तो बस ऑफिस तक पहुँचने के लिए ही है। अंदर पहुंचने के बाद हमारी मुलाकात हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कुछ सीनियर ऑफिसर्स से हुई, जिन्होंने हमारी काउंसलिंग करके और वीडियो के जरिए हमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए और साथ ही दिए कुछ और सेफ्टी गियर्स। यहां आज हम उन हुनरबाजों से भी मिले जिनका आज माइंस में असेसमेंट यानी एग्जाम होने वाला है। सो फाइनली अब मैं तैयार हो चुकी हूँ पूरी तरीके से माइंस में अंदर जाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी सेफ्टी की चीज़ें हमने पहन रखी हैं, गम बूट्स हैं, ग्लव्स हैं, मास्क है जो हमें डस्ट से बचाएगा, ईयर प्लग्स भी हैं हमारे पास जो हमें कान में लगाने होते हैं इस तरीके से, और ये हमारा एक ऑक्सीजन सिलेंडर है। अक्सर माइंस के अंदर जाते समय ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे बचने के लिए ये है। देन वी हैव दिस कैप हमारी हेड की सेफ्टी के लिए, सर की सेफ्टी के लिए, प्लस ये लाइट्स हैं क्योंकि अंदर माइंस में ऑब्वियसली अंधेरा होता है, तो ये लाइट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जल्दी है, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू गो इनटू द माइंस, लेट्स सी हाउ इट गोज। हम भी तैयार और हमारी कार भी, और ये चले हम माइंस के अंदर। अंधेरा बढ़ रहा है और हमारी धड़कनें भी, लेकिन चेतन जी की ड्राइविंग से हमारा डर धीरे धीरे कम हुआ। माइंस के अंदर गाड़ी चलाना आसान नहीं होता, एक बार में एक ही व्हीकल के जाने का रास्ता होता है, तो दो गाड़ियों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना काफी इम्पोर्टेंट है, और इसमें मदद करते हैं ये लाइट्स, हॉर्न और ये वॉकी टॉकी। सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो वॉकी टॉकी की मदद से उसे बाईपास में रुकने को बोला जाता है ताकि दूसरी गाड़ी को पास मिल सके। फाइनली अभी अब माइंस के अंदर आ चुके हैं और मेरे साथ यहाँ पर चेतन सिंह हैं, जो स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के इंचार्ज हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में।
और यही हमको यहाँ माइंस में अंदर तक लेकर भी आए हैं। तो वेरी वार्म वेलकम चेतन हेयर एट हुनरबाज। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि हम कितना अंदर आ चुके हैं अभी। हमारा जो अंडरग्राउंड माइंस है सरफेस में मेन सी लेवल से 525 मीटर ऊपर है। हम जैसे ही अंडरग्राउंड नीचे की तरफ आ रहे हैं तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो 325 मीटर नीचे आ चुके हैं। तो सरफेस से अगर हम वर्टिकली डाउन देखें तो 200 मीटर गहराई पे हैं। इतना अंदर जाने के बाद भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि हमें इन एयर पाइप्स के जरिए फ्रेश एयर लगातार मिल रही थी। माइंस में अंदर जाने का हमारा मकसद एक और भी था, उन हुनरबाजों से मिलना जिन्होंने अपनी 2 साल की जंबो ड्रिल ऑपरेटर की ट्रेनिंग पूरी की और आज उनका यहाँ फाइनल असेसमेंट होने वाला है। ये ट्रेनिंग SCMS, IISD और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कोलैबोरेशन से कराई जाती है, यानी जिंक के साथ साथ हमारी खोज में हुनर और हुनरबाजों की खोज भी शामिल थी। फाइनली एंड पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, ये हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनका आज यहाँ पर असेसमेंट होने वाला है। तो गाइस आप लोग मुझे बताइए कि कैसी तैयारी है फिलहाल, अभी आप लोग के असेसमेंट कैसी, ट्रेनिंग कैसी हुई है? तो कुछ डर लग रहा है कि कैसा होगा क्या होगा? एकदम तैयार है ट्रेनिंग करने के लिए? हम सब तैयार हैं। चलिए आपको समझा देते हैं कि ये कैंडिडेट्स यहाँ क्या करने वाले हैं। इन सभी को माइंस के इस फेस पर मार्क की हुई जगह पर इस जंबो ड्रिल की मदद से ड्रिलिंग करनी है। तो यहाँ पर जो असेसमेंट चल रहा है वो जंबो ड्रिल ऑपरेटर का चल रहा है और अब हम आपको दिखाएंगे कि वो ड्रिल कौन सी है। दिस इज द जंबो ड्रिल जिसके थ्रू यहाँ पर ड्रिलिंग करी जाती है, होल्स किए जाते हैं माइंस में और फिर उसमें बारूद भरा जाता है और उसके बाद ब्लास्टिंग होती है। सारे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हुए यहाँ शुरू होता है कैंडिडेट्स का असेसमेंट और देखिए जरा कितने कॉन्सेंट्रेशन से ये एक एक ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिलिंग से निकला हुआ ओर सीधे स्मेल्टर में जाता है, इसे फिर लिक्विड और फिर इस तरह की शीट्स में बदला जाता है और इन शीट्स को आग में पिघलाने के बाद निकलता है ये चमचमाता खजाना जिसे जिंक कहते हैं। हुनरबाज का माइंस का ये सफर काफी एक्साइटिंग रहा लेकिन बाहर आते आते हम थक के चूर हो चुके थे। सलाम है उन हुनरबाजों को जो रोज ये सफर तय करते हैं और हमें जो असली खजाना मिला वो ये नहीं बल्कि ये हुनरबाज है। और अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हुए ऐसे ही एक हुनरबाज सागर मोची से मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। आप साथ जरूर रहिएगा।